ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दबाएं इस घंटे को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। महिला पत्रकार के गाल छूने मामले को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने माफी मांग ली है। महिला पुरोहित ने राज्यपाल इस हरकत पर सोशल मीडिया पर विरोध जताया था और इसे अव्यवहारिक रवैया बताया था, जिसके बाद अब राज्यपाल ने महिला को खत लिखकर माफी मांग ली है। राज्यपाल ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने किसी गलत उद्देश्य से महिला पत्रकार को नहीं छुआ था। राज्यपाल की माने तो जिस तरह बड़े बुजुर्ग अपने बच्चे को दुलार देते हैं, कुछ उसी तरह पत्रकार को अपनापन दिखाते हुए उन्होंने गाल को छुआ। राजभवन में जारी सफाई पत्र में कहा गया है कि अगर महिला पत्रकार को राज्यपाल के इस कदम से दुख पहुंचा है तो इस पर वो खेद प्रकट करते हैं और अपने किए पर माफी मांगते हैं। दरअसल मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित डिग्री के लिए सेक्स केस में आरोपी महिला के बयान पर सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब सब चौंक गए जब एक महिला पत्रकार के सवाल पर राज्यपाल ने जवाब देने के बजाय उसके गाल सहला दिए। राज्यपाल की इस हरकत से वो काफी असहज हो गई। महिला पत्रकार के मुताबिक इस घटना के बाद उसने कई बार अपना मुंह धोया, लेकिन वो इस बात को भुला नहीं पा रही है। महिला पत्रकार ने ट्वीट किया कि मैंने अपना चेहरा कई बार धोया, लेकिन मैं इस भाव से छुटकारा नहीं पा रही। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मैं काफी गुस्से में हूँ। महिला पत्रकार ने आगे लिखा है, ये अव्यवहारिक रवैया है। किसी भी अनजान को उसकी सहमति के बिना छूना, खास तौर से महिला को, ये गलत है।